हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूप मंत्रा के डायमंड फेशियल किट का रिव्यू और इसका डेमो। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट या इसके बारे में सभी बातें, साथ ही साथ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस डायमंड किट के साथ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आप मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहली बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात यह है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर कर लें। और तीसरी बात यह है कि मेरा फेस थोड़ा सा अभी आपको अजीब दिख रहा होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने अपना फेस क्लीन अप किया था, तो उसकी वजह से फेस थोड़ा सा ऑयली शाइनी दिख रहा है, तो उस चीज को इग्नोर करिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। होली खेलने के बाद अब बारी है स्किन केयर की, क्योंकि होली का कलर लगते ही बहुत सारे लोगों को पिंपल, एक्ने, ब्रेकआउट, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी अदर प्रॉब्लम होने लगती हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि हम अपने फेस की अच्छी से केयर नहीं करते हैं, और फेस केयर का सबसे अच्छा तरीका है फेशियल, जो कि होली सबसे परफेक्ट टाइम है। इसलिए मैंने सोचा कि इस डायमंड फेशियल किट का रिव्यू मैं आपके साथ होली के बाद शेयर करूँ, जिससे आप इसे यूज़ करें और आपके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जिस पे प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, यूज़ कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या हैं, सभी डिटेल्स पैकेजिंग पर मेंशन है। इसका जो प्राइस है वो है 398 रुपीज़, और इसमें आपको जो स्टेप मिलते हैं वो है 5 स्टेप। हर स्टेप में आपको 15 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और ये फेशियल किट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ रूप मंत्रा के जो फेशियल किट या जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये यूनिसेक्स होते हैं, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लोग इस प्रोडक्ट को इजीली यूज़ कर सके हैं। मैं इनके स्टेप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह की इनर प्लास्टिक टब पैक में आते हैं, जो कि दिखने में जितने क्यूट हैं उतने ही कन्वीनियंट भी हैं। क्यों? क्योंकि एक बार में कोई भी इन फेशियल किट को फिनिश नहीं कर सकता है। एक जो फेशियल किट है ये आपकी, ये कम से कम 3 से 4 बार तो इजीली चल जाएगा। इसलिए मुझे ये पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। आपने यूज़ किया उसके बाद आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ इस तरह के प्लास्टिक जार मिलते हैं आपको, छोटे छोटे 5, क्योंकि इसमें 5 स्टेप है। पहला है क्लिंजिंग मिल्क, दूसरा है फेस स्क्रब, तीसरा है मसाज जेल, चौथा है फेस पैक, और पांचवा है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये है इन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे ये प्रोडक्ट कैसे लगे, काम कैसे करते हैं, मैं इनका डेमो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे पहले आप ये देख लें कि मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया या आपको इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, जो कि है क्लिंजिंग मिल्क। इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है, जिससे आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाएगा और आपका फेस फेशियल के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि फेशियल करने से पहले अपने फेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 है फेस स्क्रब, जो कि कुछ इस तरह से है। इसके जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं काफ़ी फाइन हैं, बहुत छोटे हैं, और इनकी क्वांटिटी भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है तब भी आप इस फेस स्क्रब को ईजिली यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं है।
स्टेप नंबर 3 है मसाज जेल, और ये स्टेप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मसाज जेल देखने में जितना अच्छा लग रहा है अप्लाई करने में, यूज़ करने में उतना ही अच्छा है। स्मेल बहुत अच्छी है और आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो ऐड करता है। स्टेप नंबर 4 है फेस पैक, और अगर मैं इस फेस पैक की बात करूं तो ये थोड़ा सा थिक है, काफ़ी गाढ़ा है। अपने फेस को हल्का सा वेट रखिएगा जब भी आप इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करें, नहीं तो आपको अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी अनोइंग है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट फिर भी थोड़ी सी वियर्ड है क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो नवरत्न का जो ठंडा तेल आता है कूल वाला, कुछ उसी के जैसी है। अब बारी है फाइनल स्टेप की, और ये है स्टेप नंबर 5 जो कि है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। वैसे अगर मैं इस क्रीम की बात करूँ, क्रीम काफ़ी अच्छी है लेकिन ये आपको हैवी मॉइस्चराइजर प्रोवाइड नहीं कराती है, ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है बट अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ड्राई है तो शायद इसका मॉइस्चराइजेशन आपके लिए इनफ ना हो, तो आप इनकी जो कोल्ड क्रीम है या कोई भी अदर अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकती हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो आपने स्पेशल किट के बारे में सारी डिटेल्स देख ली, इसका डेमो देख लिया, अब बारी है फाइनल वर्ड की। बट उससे पहले दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस फेशियल किट को पहली बार यूज़ कर रही हैं तो यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, और दूसरी बात यह है कि वैसे तो इसके सारे स्टेप, पाँचों स्टेप बहुत अच्छे हैं लेकिन इसका जो स्टेप नंबर 4 है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग है। हालांकि थोड़ी देर के बाद जो स्मेल है वो फेड हो जाती है बट फिर भी मैंने सोचा ये चीज़ मैं आपके साथ मेंशन कर देती हूँ। अब बात कर लेते हैं स्पेशल किट के वर्क की, तो इसका जो वर्क है वो बहुत अच्छा है, फेस पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखता है। हाँ, इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको विजिबल दिखता है, आपके फेस को क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है, काफ़ी स्मूथ बना देता है और साथ ही साथ फेस ग्लोई दिखता है और हेल्दी भी दिखता है। मेरा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि अगर आप इस फेशियल किट को होली के बाद यूज़ कर रही हैं तो आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ग्लोई दिखना चाहिए क्योंकि होली में आपका फेस जो है वो काफ़ी डल दिख रहा होगा, तो वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होती है और ये फेशियल किट जो है वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैंने रूप मंत्रा का गोल्ड फेशियल किट रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप उसे चेक जरूर कर लें। दोनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि मुझे गोल्ड वाला ज़्यादा पसंद है या डायमंड वाला, तो मैं सिर्फ एक वर्ड में कहूँगी कि मुझे डायमंड वाला फेशियल किट ज़्यादा अच्छा लगा। पहली चीज़ ये है कि इसकी स्मेल बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो वर्क है वो मुझे गोल्ड वाले फेशियल किट से ज़्यादा अच्छा लगा।
फिलहाल ये था मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिव्यू। फाइनल वर्ड की बात करूँ, फाइनल वर्ड यही है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, यूनिसेक्स है, सेफ है, तो आप इस प्रोडक्ट को इजीली यूज़ कर सकती हैं। बाकी अगर आपका इस फेशियल किट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें, उनके आंसर मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया रूप मंत्रा के फेशियल किट का रिव्यू, जो कि है डायमंड फेशियल किट। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आप मेरे सभी वीडियोस देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।